देश में आए दिन किसान मजदूर व कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। प्रत्येक वर्ग अपनी मांगों को लेकर परेशान है और बार बार धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेताने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आज पूरे देश में मजदूरों, कर्मचारियों और किसानों ने मिलकर देश में भारत बचाओ दिवस मनाया, जिसमें सिरसा जिला के सभी लोगों ने मिलकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी कर सरकार की गलत नीतियों की विडंबना की। वही जिला से आए किसानों ने 3 कृषि कानूनों के बारे में अवगत कराया कि किस प्रकार किसानों के लिए हानिकारक हैं। लगभग तीन घंटे प्रदर्शन करने के बाद सभी लोग जिला के बिजली घर में पहुंचे और मौके पर आए सिरसा SDM जयवीर यादव को ज्ञापन सौंपा और मांगों को पूरा करने को कहा। 100 रुपये महीना भवन निर्माण के लिए श्रम बोर्ड का रजिस्ट्रेशन, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत किया जाए, सरकारी विभागों में स्थायी भर्ती हो, फिर स्कीम पर हम जो यहाँ मिड डे मील वर्कर है जितनी भी इकट्ठी हुई है, तो ये बड़ी दुखी हृदय से इकट्ठी हुई है, क्योंकि हम 3-4 बार ना शिक्षा अधिकारी को हम ज्ञापन दे चुके हैं और बाकी तो दूर की बात है, ऊपर की बात है, मैं पक्का करना या मजदूर घोषित करना, लेकिन हमारी लोकल समस्या ये है कि जब से लॉकडाउन लगा है तो हम स्कूल जा रहे हैं, हमारी वर्कर काम कर रही है, तो उनको जो मानदेय है 10 महीने मिलता है तो 12 महीने मानदेय मिलता नहीं। अगर 10 महीने भी सरकार देती है तो वो भी 8-9 महीने का मानदेय रुका हुआ है, ये 8-9 महीने का मानदेय नहीं मिल रहा। और 2019 से लेके आज 21 हो गया तो मिड डे मील को वर्दी भत्ता जो है नहीं दिया गया, एक बार ही वर्दी भत्ता मिला है जब से लागू हुआ है। तो हमारी मिड डे मील वर्कर जब 60 वर्ष की हो जाती है तो उसको धक्के दे के स्कूल से निकाल दिया जाता है। हम ये मांग करते हैं कि उसको कम से कम रिटायरमेंट गुजारे लायक दिया जाए और जो वर्कर हटी है उसकी जगह पे नई वर्कर लगाई जाए और हमारा जो मानदेय है 10 महीने मिलता है वो 12 महीने हमें मिलना चाहिए और हमें रेगुलर मिलना चाहिए, उस पर रुकावट ना हो। और मिड डे मील को जो मानदेय मिलता है उनके खाते में सीधा पैसा आना चाहिए, क्योंकि जब हमें चेक काट के देते हैं टीचर तो जो स्कूल में बेगार कराई जाती है, तो अगर हमारी वर्कर उसको मना करती है बेगार की को, तो जो टीचर हैं उसको 10-10 दिन चेक नहीं देते, परेशान करते हैं। हम यही सरकार से मांग करते हैं कि हमारा पैसा सीधा खाते में आना चाहिए, सरकार सीधा खाते में पैसा डाले। तो आज आपने ज्ञापन दिया है, किसको दिया है, किसके नाम दिया है? आज हमने ज्ञापन दिया है, ये BO साहब के नाम दिया है और SDM साहब को ज्ञापन दिया है। और कल हमें 11 बजे SDM साहब ने बोला है कि आप 11 बजे आ जाओ, तो DO साहब को बुला के तो आपकी बात वहीं करेंगे और आपकी जो मेन समस्या है उनका हल भी होगा। तो वहाँ शांतिपूर्ण अगर आपका यानी कि संतुष्ट नहीं होती तो आगे का क्या रहेगा? अगर हमारी ये देखो 2-3 बार ज्ञापन हमने दे दिया है, अगर हमारी ये मांग ना पूरी होगी ना, अब तो हम मिड डे मील थान चुके हैं कि ये इसी ये अपने शिक्षा अधिकारी के हम दरी बिछा के बैठेंगे, जब तक हमारा ये पैसा 8-9 महीने का रुका ना मिलेगा तो हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। आज तक तो हम नहीं बैठे थे, शांतिपूर्वक थे, अब हमारा जब रोजी रोटी मुंह से छीन रहे हैं, स्कूल लग रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं खाना।